अरसे बाद लौट आई कांग्रेस की खुशियां। कांग्रेस को मिला नया मुख्यमंत्री। प्रियंका गांधी को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की आई बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस हाईकमान ने 48 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री को लेकर उलझी गुत्थी को सुलझा लिया। वीरभद्र की विरासत को नजरअंदाज कर पार्टी ने सुखविंदर सुक्खू को नया सीएम बनाया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के पीछे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अहम भूमिका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल में रिजल्ट के बाद से ही कांग्रेस हाईकमान खासकर प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई। प्रियंका शिमला में मौजूद ऑब्जर्वर से लगातार संपर्क में रही और आखिर में विधायकों की राय जानने के बाद हाईकमान ने सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी। 2019 में पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद प्रियंका कांग्रेस हाईकमान के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका निभा चुकी हैं। इनमें राजस्थान में बागी सचिन पायलट को मनाने से लेकर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता से हटाने तक के फैसले भी शामिल हैं। सितंबर 2022 की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा जा रहा था। गांधी परिवार के बाद अशोक गहलोत ने भी पर्चा नहीं भरने की बात कह दी। गहलोत के मना करने के बाद कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष के लिए पर्चा भरने का ऐलान कर दिया। दिग्विजय और शशि थरूर के बीच मुकाबला तय माना जा रहा था, लेकिन नामांकन से एक रात पहले सोनिया प्रियंका के बीच करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। यह मीटिंग सोनिया के आवास 10 जनपद पर ना होकर प्रियंका के निजी आवास पर हुई। मीटिंग के कुछ घंटे बाद ही गांधी परिवार के करीबी मल्लिका अर्जुन खड़गे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गांधी परिवार के करीबी होने की वजह से खड़गे चुनाव में भी जीत गए। वहीं साल 2020 में राजस्थान कांग्रेस के 20 विधायकों के साथ तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बगावत कर दी। सभी विधायक हरियाणा के मानेसर में जाकर बैठ गए। विधायकों के बागी होने से अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई। अहमद पटेल के साथ मिलकर प्रियंका ने संकट को सुलझाने का जिम्मा लिया। प्रियंका और पटेल के सक्रिय होते ही पायलट खेमा नरम पड़ गया। विधायक होटल से राजस्थान लौटने लगे और आखिर में सचिन पायलट अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इसके बाद पार्टी ने गहलोत पायलट के बीच समझौता कराया। हालांकि अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अब तक अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। गांधी परिवार के 2 बड़े नेता सोनिया और राहुल उनकी टीम में नहीं होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका उनकी टीम का हिस्सा जरूर होंगी।